दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिटेल टारगेटिंग का कैसे यूज करते हैं। डिटेल टारगेटिंग मींस अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कैसे करते हैं, मींस। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिटेल टारगेटिंग का कैसे यूज करते हैं। डिटेल टारगेटिंग मींस अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कैसे करते हैं, मींस उसको डीपली करके फाउंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करना होगा। और उसके बाद जैसे ही हम ऐड बनाते हैं तो हम कैंपेन पर क्लिक करते हैं। कैंपेन के बाद किस पर आते हैं, एड सेट लेवल पर आते हैं। और एड सेट लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन दे रखा है। तो ठीक है, ऑडियंस के ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे डिटेल टारगेटिंग, इसके नीचे ऑप्शन दे रखा है आपको किसका, सर्च आइकन का। तो आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको अपनी ऑडियंस ढूंढने के इसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। आप यहाँ डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग और इसके यहाँ पर आप करेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को और किसके नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है इसको, किसके नाम से, ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से जाना। तो आपको इसको सर्च करना है पहले। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका भी ऑप्शन आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग का। उसके बाद किसके नाम से जाना जाता है, इसको एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको सर्च करोगे और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ये दे रखा है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के लिए, इसको भी कर सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इसको कर सकते हैं। तो हम इसको ऑप्शन करते हैं चूज। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको डेमोग्राफिक के बेस पर आपकी ऑडियंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ देख सकते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर का ऑप्शन दे रखा है। तो डेमोग्राफिक मीन्स कि उनका एज या जेंडर के हिसाब पर क्या दे रखा है, उनका ऑलरेडी फेसबुक के पास कुछ डेटा दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कुछ लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं किसके अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं इंटरटेनमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बेस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो डेमोग्राफिक में आएगा। मीन्स कुछ डेटा फेसबुक के पास ऑलरेडी रखा हुआ है डेमोग्राफिक के हिसाब से, मीन्स फेसबुक ने क्या कर रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है। तो चलिए हम डेमोग्राफिक से पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो मान लीजिए हमको ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग कौन सीख सकता है, जैसे हम मान के चलते हैं जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन में क्या होता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि वो हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन लेवल दे रखा है यहाँ पर। एजुकेशन लेवल में आप देखेंगे एजुकेशन लेवल, फील्ड, स्कूल, यूनिवर्सिटीज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज का नेम आता है तो काफी अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ दयाल सिंह कॉलेज। ठीक है, कॉलेज डालता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, दूसरे लेवल पर जाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन लेवल दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ यूनिवर्सिटीज दे रखा है। अब यूनिवर्सिटीज के लेवल को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटीज लेवल पर जितने भी स्टूडेंट पाए जाते हैं उनको टारगेट करना, तो जैसे आप चेक करोगे तो सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये एक आपका सेक्शन ऐड हो गया यहाँ पर। आपके डिटेल टारगेट के अंदर क्या होगा, एक सेक्शन ऐड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप क्या करना है, हाई स्कूल, जो हाई स्कूल के लोग स्टूडेंट्स दे रखे हैं उनको करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे। या फिर जिसके पास मास्टर डिग्री आप चाहते हो, वो अगर कोई इंटरेस्ट रखता है इसके अंदर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज मान लीजिए आपको स्कूल लेवल मीन्स ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को भी आप क्या चाहते हैं कि वो भी इंटरेस्ट रखते हो, तो वो भी हमारा कोर्स क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन आ गया 8 स्कूल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट लेवल दे रखा है इसके अंदर, इंटरेस्ट बेस पे। इंटरेस्ट बेस क्या दे रखा है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या उससे रिलेटेड कुछ फेसबुक पर इंगेजमेंट लाते हैं, तो आप क्या करेंगे उस पर क्लिक करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल का आप कह सकते हैं कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई व्यक्ति दे रखा है जो किस पे इंटरेस्ट रखता है, एंटरटेनमेंट पे। तो आप एंटरटेनमेंट पे किस चीज पे, जैसे म्यूजिक पे, तो आप म्यूजिक के लोगों को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। आप देखिए कितना नैरो डाउन हो रहा है यहाँ पर। म्यूजिक टारगेट के अंदर भी क्या दे रखा है, क्लासिकल दे रखा है, कंट्री म्यूजिक दे रखा है, जैसे क्लासिकल मान लेते हैं हम। ठीक है, तो क्लासिकल भी यहाँ पर टारगेट करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर क्लासिकल भी टॉप पर आ गया यहाँ पर। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि इसके अंदर टारगेट करना चाहते हैं बिहेवियर्स के अंदर, कि बिहेवियर्स कैसा रखते हैं लोग। तो जो लोग डिजिटल एक्टिविटीज करते हैं तो वो लोग किस में इंटरेस्ट रखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब डिजिटल
डिजिटल एक्टिविटीज में भी किस पे क्लिक करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किस पे एंगेजमेंट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं फेसबुक पेमेंट्स हो गया, फेसबुक एक्सेस हो गया, फेसबुक पेजेस हो गया। जब फेसबुक पेज क्या है, एक प्रकार से ऑनलाइन वर्क दे रखा है, अगर उसको कोई मैनेज करता है तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अब कौन दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके फेसबुक पेज एडमिन्स में भी कम्युनिटीज दे रखी हैं। अब आप देख सकते हैं कौन से पेज मैनेज करने वालों को आप क्या चाहते हैं, उनको टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, जो कि बिजनेस पेज का क्या दे रखा है, एडमिन दे रखा है, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर बस इस पर चेक करना है। आप ये के देख सकते हो यहाँ पर, ये भी टारगेट सबसे ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इसमें तीनों तरीके से बता दिया। आप एक तो देख सकते हैं डेमोग्राफिक बेस, और देख सकते हैं इंटरेस्ट बेस, उसके बाद देख सकते हैं क्या बिहेवियर बेस, और सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया है किसके बिहाफ पर, डिजिटल मार्केटिंग के बिहाफ पर दिखाया। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे कीवर्ड दे रखे हैं, तो उस हिसाब से नैरो डाउन कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो और बाकी देख सकते हैं किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स को बताया, जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं आप, यूनिवर्सिटीज के चाहते हैं, या फिर जो फेसबुक पेज के एडमिन्स दे रखे हैं आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है ना, अब मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी बताया था, जैसे कि कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है तो वो तो डिजिटल मार्केटिंग में हो भी सकता है, इंटरेस्ट रखने वाला नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नाक के बराबर चांस है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए रन करूंगा क्या एड, तो मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर क्या करते हैं, इससे मैच करते हैं, तो इसलिए मैं इन सभी का यूज कर सकता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल टारगेटिंग अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छे समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बेस्ट तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और